वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आपसे कोई अगर एक बार मिल लेता है ना, तो उसका दिल चाहता है वो आपसे बार बार मिले। मेरे काफी व्यूअर्स ने ये चीज फील की होगी खुद के बारे में कि कई लोगों को आप अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पास रहना चाहते हैं, आपके आसपास बैठना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है कि कुछ लोग आपसे मिलने के बाद या तो आपको भुला नहीं पाते या आपके पास हर वक्त बिताना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? व्हाट इज दिस स्पेशल क्वालिटी यू हैव दैट पीपल वांट टू रिमेन अराउंड यू? वंस दे मीट यू, दे वांट टू बी विद यू ऑलवेज। बहुत कम लोगों को ऐसा भगवान ने बनाया होता है। ये तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, किसी से एक बार मिलने तो दिल करता है दूसरी बार मिले ही ना, लेकिन आपसे मिलने के बाद लोग बार बार आपको मिलना चाहते हैं। आपकी जो वाक छटा है, योर क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं कि आप कम शब्दों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बात समझा सकते हैं। अब इस बात का कुछ लोग तो घमंड कर लें कि मुझ में ये क्वालिटी है, लेकिन आप ये शायद जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन आपने इसको बहुत निखालसता से ली है। आप अपनी किसी भी बात की बड़ाई नहीं मारते। कोई अगर आपको एप्रिशिएट करता है तो आप ग्रेसफुली उस एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, कोई उनको अगर कहता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं या आप बहुत अच्छे दिखते हैं, तो उनका रिवर्ट आंसर होता है मुझे पता है, जो कि बहुत बेकार लगता है, बहुत ही घमंडी और एरोगेंट लगता है। लेकिन जब कोई आपकी तारीफ करता है, आप उसे बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, आप शर्मा से जाते हैं, जिसको लोग बहुत चाहते हैं आपकी इस क्वालिटी को। आपके पास बैठ के लोगों को जो उनका डिप्रेशन होता है, देखिए मून कार्ड एंड सन कार्ड, कोई आपके आसपास जब बैठता है तो उसका डिप्रेशन ही जैसे दूर हो जाता है। आप जब उनको समझाते हैं, आप जब कुछ बात करते हैं, तब उस पर्सन को लगता है कि वो तो दुनिया जीत सकता है या जीत सकती है, क्योंकि आपने कहा, आपकी बातों में इतना वजन उनको लगता है, इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी आपकी बातों में लगती है कि इंसान को लगता है वो जीवन में सब कुछ कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आप ये जो एनर्जी शेयर करते हैं, आप अपनी हिम्मत जो दूसरों को शेयर करते हैं, इस चीज से लोग आपको बार बार मिलना पसंद करते हैं। और आप देखेंगे ज्यादातर वो लोग आपसे बार बार मिलना पसंद करते हैं जो लाइफ के किसी स्ट्रगल से निकल रहे हो, जो किसी दुविधा में हो, जो कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, उनको आपके साथ मिलकर बैठकर बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हिम्मत देते हैं, आप उनको तोड़ते नहीं हैं, आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जब वो आपसे दूर जाए, वो शायद फिर से वही हालात में आ जाते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो उनको लगता है उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर एनर्जी आ चुकी है। आपकी निखालसता, आपकी ऑनेस्टी, आपकी फ्रेंकनेस, आपका मजाक करना, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत क्वालिटी का है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो आमतौर पर सब में ही होता है, ज्यादातर लोगों में होता ही है, शायद ही विरला इंसान होगा जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर की एक अपनी क्वालिटी होती है। मजाक मजाक लगना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए किसी के दिल पर। तो आपके मजाक पर, आप जिस पर मजाक करते हैं ना, उनको खुद पर भी हंसी आ जाती है, क्योंकि आपका मजाक इतना ऑनेस्ट होता है। और आप ऐसे इंसान है जो खुद पर भी मजाक करने में आपको कभी बुरा नहीं लगता। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स ये दिखाता है कि आपको खुद पर किया हुआ मजाक भी करना मजा आता है, दूसरों पर भी आप करते हैं, जो कि उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगी लवर्स कार्ड का इससे ये नहीं, जो इमेज है आपके अंदर, आप पर मैं कहूंगी कामदेव का, बहुत बड़ी कामदेव की कृपा है। सेक्सुअली आप बहुत अट्रैक्टिव है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, काले गोरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है, एक करिज्मा है जो लोग बयान नहीं कर सकते। कहते होंगे आपको कई बार, यार तुझे पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हो जाता हूं या अट्रैक्ट हो जाती हूं। ये जो एक्स फैक्टर है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलता है ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो आपका ये एक्स फैक्टर भी जबरदस्त लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी और ऑरा है जो चुंबकीय है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये सेक्सुअलिटी भी होती है, कई बार आपको
सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला ठीक नहीं है 2-4 दिन से। ये एक्स फैक्टर जो होता है, ये जो चुंबकीय आकर्षण आप में होता है, ये औरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये प्लेटोनिक नहीं होता, थोड़ा सेक्सुअल होता है। आप में अब सेक्सी है, शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, नहीं पता होगी या पता भी होगी कि आपके हाव भाव में, आपकी आंखों में, आपके लुक्स में। मैंने ऑलरेडी आपको कहा, लवर्स कार्ड देखकर कामदेव की आप पर बहुत कृपा है। आपका, आप जिस भी जेंडर के हैं, ऑपोजिट जेंडर आपसे बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ये आपको कुदरती ऊपर वाले ने कमाल की इक्वालिटी दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके अंदर ना गुरूर है, ना घमंड है, ना कुछ, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसा है कि बस समझो सामने वाले को आपसे चिपका देता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, मतलब अगर आपसे लोग सब कुछ छीन ले ना, आपसे दुनिया सब कुछ छीन ले, आपका कॉन्फिडेंस फिर भी डगमगाएगा नहीं। ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का आप कार्ड देखिए। फैमिली को आप समर्पित हैं, फिर आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड, आपकी जो भी फैमिली है, मैटरनल है, पैटर्नल है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, आपका जो कमिटेड नेचर है ना फैमिली को लेकर, उससे भी लोग आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। तो कोई एक चीज हो, और आपका जिद्दीपन भी बहुत जबरदस्त है। अड़ियल थोड़े स्वभाव के हैं हाँ, लेकिन आपका ये अड़ियलपन भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कई लोग जब जिद्दी होते हैं ना, तो लोग चिढ़ के उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप जिद करते हैं, लोगों को लगता है कुछ तो बात है, तभी इसने जिद की है। तो इस तरह से लोग आपसे अट्रैक्टेड है। आपकी किन्नी, आपको पता भी नहीं आपके किन अदाओं से, आपकी किन बातों से कौन सी चीज लोगों को बस क्लिक हो जाती है, और वो आपके आसपास बने रहना चाहते हैं। आपसे एक बार मिलने तो बार बार आपसे मिलना चाहते हैं। ये अट्रैक्शन जो उनका है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और ये अट्रैक्शन उनका प्लेटोनिक भी हो सकता है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या है। शेयर योर थिंग्स केयरफुली, 20 सेजिटेरियस ट्यूजडे। अपनी जो चीज है उसको केयरफुली दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोग कई बार आपकी खूबसूरती चुराते हैं, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी करेज, आपकी जो क्वालिटीज है वो आपसे चुराने की कोशिश करते हैं आपकी चीजों के जरिए, चाहे वो चीज है या कोई इमोशन है। बहुत केयरफुली शेयर कीजिए, और ये आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, या इनकी लाइफ के जो आपसे चुराने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आपको बर्नआउट हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स करें। शायद लाइफ की दौड़ भाग में आप इतना बिजी हो चुके हैं, इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स आपने ले ली हैं कि आप पूरा करते करते थकने लगे हैं। तो आपके लिए एंजल मैसेज है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, बहुत ज्यादा आप थक चुके हैं, शायद आपको भी नहीं मालूम है इसके बारे में। और खास तौर पे जब लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपकी एनर्जीज को भी ये सक कर लेते हैं, आपको नहीं पता होता। आप इनोसेंटली अपने आप को अवेलेबल तो करते हैं इन सब के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को भी स्टील कर लेते हैं जाने अनजाने। तो थोड़ा अपने आप को सबसे कट ऑफ करके रिलैक्स कीजिए। आप अपने शौक को पूरा करें, अपनी हैप्पीनेस का गला ना घोटे। ये फिर से आपके लिए मैसेज आया है, रिपीट आया है अलग शब्दों में, कि बर्न आउट हो रहे हैं, खुद कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा लगता हो। जरूरी नहीं है हर वक्त वही करें जो औरों को अच्छा लगता है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सही से सेट करें। आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हैं, उसमें अभी थोड़ी गड़बड़ है। जो चीज आपको पहले नहीं करनी चाहिए, शायद वो पहले कर रहे हैं, जो बाद में करनी चाहिए वो बीच में कर रहे हैं। तो आप अपनी जो प्रायोरिटीज है उसे जरा सेट कीजिए। 12 अक्टूबर 40 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो आपको डराना चाहते हैं, आप उनको खुद से दूर रखें। कुछ लोग हैं जो आपको डराना चाहते हैं। जब आप में इतनी उपलब्धियां होती है, इतनी क्वालिटीज होती है, इतनी खूबसूरती होती है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में रखना चाहते हैं कि आप और ना निखर जाएं, क्योंकि आप निखरते ही रहते हैं। ऐसे में ही आपको डराकर दबाना चाहते हैं। तो लेकिन आपको इनकी बातों में बिल्कुल आना नहीं है, उनसे दूर भी रहना है। आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी गिफ्ट मिलेगी, भले छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी गिफ्ट आपको मिलेगी। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं, तो किसी सीनियर की एडवाइस लें। आजकल आप किसी टेंशन में गुजर रहे हैं, और ये भी होता है जब लोग आपसे सब कुछ पूछते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते हैं,
तो कई बार आप बंद जाते हैं सोच के, मैं जो सबको सलाह देता हूँ या देती हूँ, सबको गाइड करता हूँ या करती हूँ, मोटिवेट करता हूँ या करती हूँ, मैं किससे सलाह लूँ? तो ये शर्म को अपने दिल से निकाल दो और अपने किसी सीनियर से सलाह लीजिए अगर आपको कोई दुविधा चल रही है आपके दिमाग में। ग्रुप थिंकिंग से बाहर निकले, आप बहुत समझदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग जो बोलते हैं ना, आप उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं ये सोचकर कि खटपट ना हो ज्यादा। लेकिन आपके लिए मैसेज आया है कि जो गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है उसे सही कहिए। वैसे तो आप ऐसे ही पर्सन है, लेकिन कई बार कुछ लोगों से जब बहुत प्यार होता है आपको, जब आप उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आपके लिए स्ट्रांग मैसेज है, इस तरह से ना कीजिए। अपनी जो भी आपकी जो बात है ना, उसे खुलकर बोलिए, किसी से दबने की जरूरत आपको नहीं है। जो भी वार्निंग साइंस मिले उन पर ध्यान दे। जो भी आपको वार्निंग साइंस मिलती है नेचर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, उस पर हमेशा गौर कीजिए, उसको मजाक में या हल्के में कभी ना ले। आपकी खुशियां दोगुनी होंगी और दुख कम होंगे। ये मैसेज फिर से रिपीट हुआ है, आपके जो गम है वो कम होंगे और खुशियां बहुत ज्यादा दुगनी हो जाएंगी आने वाले समय में। अपोज देयर इंटरफियरेंस इन योर लाइफ। कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका अपोजिशन कीजिए, उनको कन्फ्रंट कीजिए, उनकी हर बात को मत मानिए। आइए एक और डेक में से थोड़ी। दे थिंक यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कई बार इंसान में जब इतनी उपलब्धियां होती है, इतनी क्वालिटीज होती है अच्छी अच्छी, तो जो उनसे इंफीरियर लोग होते हैं ना, वो ऐसा उनको फील कराने की कोशिश करते हैं कि तुमको तो खुद पर घमंड है, जबकि आपको अपने ऊपर घमंड नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो आप इस बात को ज्यादा सीरियसली ना ले, सोचने दें। खुद की पसंद की चीजें करो। माय गॉड, नेक्स्ट डेस्क से भी आपके लिए ये मैसेज आया है, जो आपको अच्छा लगे थोड़ा बहुत ऐसा कीजिए। यू हैव अ रॉयल ब्लड। आपका जो खून है, आपकी जो अदाएं हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो आम लोगों जैसी नहीं है, खास है। इसीलिए आपके लिए मैसेज आया है कि आपका जो ब्लड है ना, बहुत ज्यादा रॉयल है। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, ध्यान रखिए। किसी को आपसे किसी बात का बदला लेना है और वो हर मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो आपसे बदला ले। लेकिन आप अगर कैसुल रहेंगे तो आप उन्हें मात दे देंगे, वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। टॉक्सिक ब्रदर। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, दोस्त हो सकता है, भाई या भाई जैसा, जो कि बहुत टॉक्सिक नेचर के हैं, उनसे जरा बचकर रहिए। इनको आपसे बहुत जेलसी है और आपकी हर चीज को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आ गया एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन फॉर यू। आप में ऑलरेडी कामुकता है, ये गलत चीज नहीं होती, कामुक होना गलत नहीं होता। कई बार आपको पता नहीं होता, आपके अंदर इतना सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है कि लोग अपने जो ऑलरेडी रिलेशंस हैं उसको भी दांव पर लगाना चाहते हैं सिर्फ आपकी लाइफ में आने के लिए। तो ऐसे किसी पर्सन को आपसे सेक्सुअल अट्रैक्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन है। अगर आप मेल है तो किसी फीमेल को होगा, अगर आप फीमेल है तो किसी मेल को होगा। आपके थर्ड आई चक्र को अटैक किया गया है। आपकी सोचने समझने की या इंट्यूशन जो आपकी होती है दूरंदेशी, उस पर किसी ने अटैक करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी यही क्वालिटीज से इनको जलन होती है। इनको अच्छा नहीं लगता कि आप में ऐसी जबरदस्त क्वालिटीज क्यों है। अवॉइड बीइंग लेजी। कई बार आप बहुत आलसी से हो जाते हैं, काम को डिले करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी काम है उसे हाथ में लेकर खत्म करिए। आजकल आप में ये क्वालिटी आई हुई है, ऐसा कुदरत का कहना है, एंजल्स का कहना है। बुरे लोग जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। जो लोग नेगेटिव है वो आपकी लाइफ से जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने, ब्रह्मांड ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये लोग आपके आसपास रह नहीं सकते। और ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, आप खुद ही इतनी ऊर्जा से भरे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हैं, कि नेगेटिव लोग आपके आसपास रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हें लिफ्ट कराते ही नहीं है। आइए एक और कार्ड देखकर रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। अ काइंड हार्टेड फ्रेंड और नेबर केयर्स फॉर यू। कोई बहुत ही अच्छा आपके आसपास दोस्त है, पड़ोसी है, दोस्त जैसे हैं, जो आपकी बहुत परवाह करते हैं और आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, किसी भी बात, कोई भी बात हो तो उसके लिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग होती है कंप्लीट। आज का एफर्मेशन है, इसमें तो और क्या लिखेंगे कि आप सिर्फ थैंकफुली हो सकते हैं कि इतनी खूबसूरत उपलब्धियां या क्वालिटीज आपके अंदर है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लवली क्वालिटीज दैट आई हैव। मैं थैंकफुल हूं ब्रह्मांड का कि इतनी खूबसूरत उपलब्धियां उसने मुझे दी हैं। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम दिस एनर्जी। और फ्रेंड्स,
अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे जीमेल कीजिए, मेरा जीमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी डिटेल्स है वही हम डिस्कस करेंगे। और आज की रीडिंग में क्या क्या आपसे रिजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ मेंशन कीजिए। रिजोनेट तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे व्यूअर्स ने रीडिंग देखी हो और कुछ भी रिजोनेट ना हुआ हो। मेरे व्यूअर्स हैं ही लाजवाब और शानदार। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसी एनर्जीज आपकी होती है ना, आप वैसी ही रीडिंग के अक्रॉस आते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होंगी ना, तो आप ये रीडिंग में इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, वो कुदरती होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी रिजोनेट हुआ उसको खुलकर लिखिए, शर्माना नहीं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ मैं कैसे करूं, या अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आप हकीकत बयां करेंगे जब आप लिखेंगे कि यस ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर है। सो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।